दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने 28 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि वो किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरविंदर सिंह लवली ने कहा, मैंने पत्र में अपने दिल का दर्द और दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दर्द लिखा है। जो लोग कह रहे हैं कि मैंने टिकट के खातिर ऐसा किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सिद्धांतों के लिए लड़ते हैं और जिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दर्द होता है, हमने उसे लिखा है। मैंने पार्टी से नहीं बल्कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुबह से कई पूर्व विधायक और कार्यकर्ताओं के फोन कॉल्स आ रहे हैं। इससे साफ समझा जा सकता है कि ये हर किसी का दर्द है। जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं, मैं खुद दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूं, और हमारे उम्मीदवार उस भ्रांति को तोड़ने की, उस वास्तविकता को तोड़ने की बात करें, शीला दीक्षित जी की सरकार में जो काम हुए थे उसकी बजाय ये कहें, हमारा स्टैंड जरूर ये था कि हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने ये नहीं कहा था कि हम जो है क्लीन चिट दे रहे हैं, या हम लोग जो है स्कूल्स और हॉस्पिटल खोलने का क्रेडिट दे रहे हैं, जो कि वास्तविकता से कहीं दूर है। तो असूलों की और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है, और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। तो मैं इतना ही केवल आपको कहना चाहूँगा, और आप, मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आज सुबह से तकरीबन 30 से 35 हमारे एक्स MLAs आज मुझे मिलके गए हैं। बड़ी तादाद में इंडिविजुअल अलग अलग एरियाज के कार्यकर्ता मिलके गए हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान जी, नसीब सिंह जी जो शीला दीक्षित जी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, नीरज बस्तोया जी जो हमारे कस्तूरबा नगर के MLA हैं, अमित मलिक जी जो हमारे दिल्ली के जो है सारे विंग्स के प्रभारी हैं, ना जाने कितने लोग, सुरिंदर शर्मा जी हमारे इलेक्शन कमेटी के मेंबर, लक्ष्मण रावत जी अभी खड़े हैं यहाँ पे इलेक्शन कमेटी के मेंबर, इशरत का मामू जी, कितने लोग, मैं मतलब आपको किस किस का नाम लूँ, सुबह से कार्यकर्ता मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भावना अरविंदर सिंह लवली की नहीं है, तमाम कांग्रेस के लोगों की भावना है। बहुत धन्यवाद उनका, अगर उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो मैं उनको धन्यवाद भेजना चाहता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वो भी इलेक्शन में कहीं जाएंगे। सौरभ भारद्वाज की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि वही फैसला लेते हैं बाकी सब पार्टीज के बिहाफ पे। मैंने अभी आपको क्लियर करा कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया ना। हाँ, मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, और मैं अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बात करूंगा, कहीं किसी पार्टी को अभी ज्वाइन नहीं कर रहा। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए punjabkesari.com।